नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वीरू द्विवेदी है। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल वीरू द्विवेदी एजुकेशन हब पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीके जीएस के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की। तो प्रश्नों को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, जितने भी लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अगर अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कोई कमी लग रही है आपको समझाने में या प्रश्नों में तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, हम उस कमी को जल्द ही दूर करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला को। भारत ने ओलंपिक खेलों में सबसे पहले स्वर्ण पदक कब जीता? तो भारत ने ओलंपिक खेलों में सबसे पहले जो स्वर्ण पदक जीता था वो 1928 में जीता, और ये स्वर्ण पदक जो जीता वो हॉकी में मिला था। दोस्तों, याद रखिएगा। बात करते हैं, अगर पूछ ले आपसे कि आपका राष्ट्रीय खेल कौन सा है तो आप हॉकी ना लगाइएगा दोस्त, क्योंकि भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो कोई राष्ट्रीय खेल अभी भी भारत का नहीं है, आप चेक कर लीजिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। बास्केटबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो जो बास्केटबॉल होता है इसमें जो खिलाड़ियों की संख्या होती है प्रत्येक पक्ष में वो 5 होती है। ए ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? जो सुलह कुल उत्सव है ये आगरा में मनाया जाता है। बात आई है आगरा की, तो बता दें कि आगरा जो है यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, और आगरा में ही है हमारा जो यूनेस्को द्वारा धरोहित ताजमहल, जिसे 1983 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर साइट्स में शामिल किया था। इस समय जो हमारा ताजमहल है उसको बनाने में जो मुख्य कारीगर थे वो उस्ताद अहमद लाहौरी थे, और इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। और मैं आपको बता दूं कि इस समय ताजमहल जो है मथुरा के तेल रिफाइनरी सिस्टम से निकलने वाला जो धुआं है उससे सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, और उससे जो है एसिड रेन क्रिएट होती है, और इसी अम्लीय वर्षा के कारण जो ताजमहल का रंग है वो पीला पड़ रहा है। और इस पीले पड़ने को हम जो है किस नाम से जानते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रसिद्ध ढाई घाट मेला कहाँ लगता है? तो जो प्रसिद्ध ढाई घाट का मेला है ये शाहजहांपुर में लगता है। ए ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। नैमिषारण्य कहाँ स्थित है? तो जो नैमिषारण्य स्थित है वो गोमती नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में चर्चित पुस्तक ए सेंचुरी इज नॉट एनफ किसने लिखी है? तो ए सेंचुरी इज नॉट एनफ ये सौरभ गांगुली जी ने लिखी है। बता दें सौरभ गांगुली इस समय बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं, बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं सौरभ गांगुली। और अगर पूछ ले वाइस प्रेसिडेंट तो आप राजीव शुक्ला जी का नाम याद रखिएगा। पूछ ले कि बीसीसीआई के सचिव कौन हैं, तो होम मिनिस्टर अमित शाह जी के पुत्र जय शाह जो है वो बीसीसीआई के सचिव हैं, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस भारतीय ने सबसे कम उम्र में भारत रत्न पाने का गौरव प्राप्त किया? तो सचिन तेंदुलकर, सबसे कम उम्र में इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया है, सचिन तेंदुलकर को, जिन्हें जो है क्रिकेट का भगवान माना जाता है, और ये राज्यसभा में सांसद भी रह चुके हैं दोस्त, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अरामुल्ला नौका दौड़ का आयोजन कहाँ होता है? तो ये केरल में होता है, याद रखिएगा। अरामुल्ला नौका दौड़ केरल में होता है। बात आई है केरल की, तो बता दें शांत घाटी यहीं स्थित है, पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य भी यहीं स्थित है, और केरल का जो राजकीय पशु है वो हाथी है दोस्त, याद रखिएगा। बात आई है हाथी की, तो बता दें हाथी परियोजना 1992-93 से शुरू की गई थी, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार किन विभिन्न क्षेत्रों में मिले हैं? तो मैडम क्यूरी को भौतिक और रसायन के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। नोबेल की शुरुआत 1901 में अल्फ्रेड नोबेल की याद में शुरू किया गया है, ये स्वीडन से प्राप्त होते हैं, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में किस महिला को नोबेल पुरस्कार और भारत रत्न दोनों सम्मान पाने का गौरव प्राप्त है? तो ये गौरव सिर्फ और सिर्फ मदर टेरेसा जी को प्राप्त है, याद रखिएगा। बी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 मई को। मैं आपको याद दिला दूं कि आज ही तंबाकू निषेध दिवस है, 31 मई है दोस्त, याद रखिएगा। तंबाकू हमारे देश में पुर्तगालियों ने लाया था। बता दें इस समय विश्व में तंबाकू उत्पादन में चीन जो है वो टॉप पर बना हुआ है, अपना देश भारत तीसरे पायदान पर है, दूसरे पर पुर्तगाल है। अब मैं बता दूं कि टोबैको में जो है वो निकोटीन जो पाया जाता है, जो कि कहीं ना कहीं आपको जो है लंग्स, फेफड़े, किडनी आदि को इफेक्टेड कर रहा है। तंबाकू को आप आज से मुक्त, तंबाकू को बिल्कुल त्याग दीजिए। जितने भी बच्चे अगर मेरे वीडियो को देख रहे हैं और ये वीडियो को फैलाएं कि अपने आसपास समाज में जागरूक करें कि तंबाकू, सिगरेट, पान बीड़ी का कोई उपयोग ना करें, इससे मुंह का कैंसर होता है। अभी हाल ही में एक सर्वे जारी हुआ था, रिपोर्ट आई है, मैं आपको बता दूँ
कि 1990 के बाद से आज तक सिगरेट पीने से 30% मौतें सिर्फ सिगरेट के पीने से जो है अंदर जो है लंग्स में कैंसर उत्पन्न हुआ है दोस्त, तो याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वानिकी दिवस मनाया गया है 21 मार्च को मनाते हैं, ये ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, वात्सल्य मेला कहाँ लगता है? तो जो वात्सल्य मेला है ये नई दिल्ली में लगता है, डी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, नवरोज त्यौहार किससे संबंधित है? तो जो नवरोज त्यौहार है ये पारसी धर्म का प्रसिद्ध और फेमस त्यौहार है, याद रखिएगा। दादा भाई नवरोजी जो है उन्हीं के अथक प्रयास से ये त्यौहार मनाया जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, प्रसिद्ध लक्ष्मण झूला कहाँ स्थित है? तो लक्ष्मण झूला जो है ऋषिकेश में है, और ऋषिकेश कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो जो सार्क का मुख्यालय है वो काठमांडू में है, जो कि नेपाल की राजधानी है, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, किन दो देशों के बीच मैनरहेम रेखा है? तो जो मैनरहेम रेखा है वो पड़ती है रूस और फिनलैंड के बीच, याद रखिएगा। रूस की संसद का क्या नाम है? तो रूस की संसद को हम ड्यूमा के नाम से जानते हैं, पूछ लेता है बार बार, याद रखिएगा। जापान की संसद को डाइट के नाम से जानते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की, संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रथम महिला सभापति कौन थी? तो जो संयुक्त राष्ट्र है इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, और इसमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं, और जो इसकी प्रथम महिला सभापति थीं वो थी विजयलक्ष्मी पंडित, डी ऑप्शन एकदम सही है। बात करें अगर संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान में जो है महासभा अध्यक्ष कौन है, तो एंटोनियो गुटनरेस हैं, जो कि पुर्तगाल देश से हैं, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो माउंट एवरेस्ट पर शेरपा तेंजिंग, एडमंड हिलेरी, ये दोनों थी, तो डी ऑप्शन एकदम सही है, याद रखिएगा। माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर ऊंची चोटी है दोस्त, याद रखिएगा। इसे नेपाल में हम जो है सागरमाथा के नाम से जानते हैं, और सिक्किम में चामो लुंगमा के नाम से भी जानते हैं दोस्त, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, बीसवें नंबर पर निम्नलिखित में से सहायक नदी मुख्य नदी के संबंध में सत्य नहीं है? तो बनास जो है वो चंबल से, बिल्कुल सही है। सोन गंगा से, ताप्ती नर्मदा से, लेकिन जो बाण गंगा है ये यमुना से संबंधित नहीं है, इसका बी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, निम्नलिखित में कौन सा ज्वालामुखी द्वीप नहीं है? तो नारकोडम ज्वालामुखी द्वीप है, बायरन भारत का एकमात्र ज्वालामुखी द्वीप है, लेकिन जो पंबन द्वीप है ये ज्वालामुखी द्वीप नहीं है, इसलिए जो इसका सही ऑप्शन है वो ए ऑप्शन एकदम सही है दोस्त, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, माही और लूनी नदी का उद्गम स्थल है? तो जो माही और लूनी नदी है इनका अधिगम स्थल जो है, उद्गम स्थल जो है ये अरावली से है। अब जो है याद रखिएगा कि माही नदी जो है ये कर्क रेखा को दो बार काटती है, और भूमध्य रेखा को कांगो नदी, और मकर रेखा को लिम्पोपो नदी दो बार काटती हैं, याद रखिएगा। और ये जो कर्क, मकर, भूमध्य तीनों रेखाएं अगर किसी महाद्वीप में निकलती हैं तो अफ्रीका महाद्वीप है, याद रखिएगा। अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, भारत के पश्चिम के कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? तो 5 राज्य जो है वो भारत के पश्चिम के तटरेखा से लगे हैं, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, जाफना श्रीलंका से किस दर्रे से जुड़ा है? तो जाफना जो है वो श्रीलंका से एलिफेंटा दर्रा से जुड़ा है, ए ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न की, सह्याद्री किसे कहते हैं? तो सह्याद्री जो है वो पश्चिमी घाट को कहते हैं, बी ऑप्शन एकदम सही है दोस्त। ये प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।